नमस्ते। आज हम बीए सेकेंड ईयर 9th पेपर से स्वास्थ्य बाधित बालकों की परिभाषा एवं अर्थ, समस्या और समस्या का कारण को देखेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से मेरे से जुड़ जाते हैं। तो देखते हैं स्वास्थ्य बाधित बालक। सबसे पहले परिभाषा एवं अर्थ को देखेंगे। स्वास्थ्य बाधित बालकों को स्वास्थ्य की असमर्थता होती है। शारीरिक रूप से बाधित बालकों को दो भागों में बांटा गया है, अस्थि बाधित बालक, स्वास्थ्य बाधित बालक। वैधानिक रूप से स्वास्थ्य बाधित उन्हें कहते हैं जिनकी स्वास्थ्य स्थिति अधिक गंभीर हो, संप्रेषण में गंभीरता हो, उच्च विकास प्रक्रिया तथा शिक्षा की समस्याएं हो, जैसे शक्ति का सीमित होना, ओज का अभाव, अजीर्ण रोग से पीड़ित, जिसको शिक्षा ग्रहण करने में जो है असमर्थता होती है। स्वास्थ्य समस्याओं के कारण सामान्य बालकों तथा समाज से अंतःक्रिया नहीं हो पाती है और उन्हें विशिष्ट सेवाओं तथा कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के बालकों में विषमता अधिक होती है। इनमें अनेक प्रकार की जो है असमर्थताएं होती है। अब हम स्वास्थ्य बाधित बालक का जो है समस्या को देखेंगे। यह समस्या जो है दो भागों में बटा है, सामान्य स्वास्थ्य समस्याएं और गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं। सामान्य स्वास्थ्य समस्याएं, ऐसे बालक शिक्षा ग्रहण करने में जो है योग्य होते हैं और इनके स्वास्थ्य की समस्याएं अधिगम पाने में बाधक नहीं होती, लेकिन ऐसे बालक को समय समय पर डॉक्टर से जो है परीक्षण करवाते रहना चाहिए, विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं, ऐसे बालकों की समस्याएं अजीर्ण रोगों के कारण होती है, इससे बालक को शिक्षा ग्रहण करने में बाधा पहुंचती है। ऐसे बालकों को हमेशा अस्पताल में रहना होता है या फिर डॉक्टरों की देखरेख में रहते हैं। ऐसे बालक जल्दी ही थकान अनुभव करने लगते हैं। नाड़ी संस्थान दोष के कारण भी स्वास्थ्य समस्याओं से जो है ग्रस्त रहते हैं। इससे बालक में भाषा दोष और वाणी दोष भी आ जाता है। ऐसे बालक बहुबाधित हो जाते हैं। गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के अंतर्गत जो है देखेंगे, मिर्गी रोग से ग्रस्त, मधुमेह रोग, दमा रोग, जोड़ों का रोग, खून की कमी। मिर्गी रोग, इस रोग से बालक को दौरे पड़ते हैं तथा दौरे के बाद वह मूर्छित हो जाता है। कभी हाथ पैरों को हिला नहीं पाता तो कभी शरीर के अंगों को जो है रगड़ता है। यह रोग नाड़ी संस्थान या मस्तिष्क से संबंधित होता है। कुछ दौरे काफी गंभीर होते हैं। ऐसे में शिक्षक को ऐसे बालकों को जो है विशेष ध्यान देना चाहिए। कोई ऐसा मानसिक कार्य नहीं लेना चाहिए जिससे कि तनाव हो। मधुमेह रोग, ऐसे बालकों को भूख प्यास जो है अधिक लगती है, भार बदलता रहता है, कोई घाव या चोट लगने पर जल्दी ठीक नहीं होता है, इसकी पिंडलियों में अक्सर दर्द रहता है। ऐसे बालकों को रोग बढ़ने पर जो है इंसुलिन का जो है टीका लगाया जाता है। दमा या श्वास रोग, ऐसे बालकों को श्वास नहीं मिलने पर कठिनाई होती है। इसका मुख्य कारण एलर्जी है। यह रोग अधिक शारीरिक काम करने से जो है तनाव से संवेगात्मक विक्षिप्तता से जो है बढ़ता है। बालक श्वास और प्रवास की क्रिया में कठिनाई महसूस करता है। शिक्षक को ऐसे बालक से अधिक शारीरिक कार्य नहीं करवाना चाहिए। बालक के माता पिता को जो है इसके बारे में सूचित करना चाहिए। जोड़ों का दर्द, बालकों के जोड़ों में जो है निरंतर दर्द रहता है। कुछ बालकों में दर्द के साथ साथ सूजन भी आ जाता है। इस रोग में दर्द जो है असहनीय होता है। इस प्रकार के बालकों के लिए शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक की उनकी सहायता करनी चाहिए। शारीरिक क्रियाओं में भाग लेने के लिए जो है प्रोत्साहित करना चाहिए। खून की कमी, बालक में खून की कमी से वह कमजोर हो जाता है तथा उसके शरीर में दर्द भी रहता है। अस्थियों में, घुटनों में, जोड़ों में व सिर में जो है निरंतर दर्द रहता है। कभी कभी वह बेहोश भी हो जाता है। यह रोग सभी प्रकार के बालकों में हो सकता है। इसके लिए सबसे बड़ी सावधानी संक्रमण से बचाना है। ऐसे बालकों को समय समय पर डॉक्टरी परीक्षण करवाते रहना चाहिए। अब हम देखेंगे
स्वास्थ्य समस्याओं का जो है कारण, स्वास्थ्य समस्या क्यों होता है। माइकल के अनुसार स्वास्थ्य बाधित बालकों की समस्या का जो कारण है वह जन्म से पूर्व या समुचित वातावरण माँ को नहीं मिलना, मानसिक दोष का होना, गर्भ में संक्रमण रोग हो जाना, मस्तिष्क में फोड़ा होना या मस्तिष्क में चोट लगना, शरीर में खून की कमी, मिर्गी रोग से ग्रस्त होना, दवाओं का दुष्प्रभाव, शारीरिक संरचना में दोष, वंशानुक्रम जो कारण से भी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती है। इसमें मधुमेह, हृदय रोग, दमा जो है वंशानुक्रम के कारण हो सकता है। तो ये था स्वास्थ्य बाधित बालकों का परिभाषा एवं अर्थ, समस्या और समस्या का कारण। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।